हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केले की सब्ज़ी। और इस केले की सब्ज़ी को हम फिश स्टाइल में बनाएंगे, यानी कि जिस तरीके से मछली बनाते हैं तो उस तरीके से हम इस केले की सब्ज़ी को बनाएंगे। इस केले की सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल फिश की तरह होगा, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन फिश इसको कह सकते हैं। उसके लिए हमने 3 केले लिए हैं, और केले को अच्छी इस तरीके से हम छीलेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने छीला है इसे, इस तरीके से केले का छिलका उतार लेंगे हम। केले का छिलका इस तरीके से हम उतार लेंगे, और इस केले को हमें 2 पार्ट में ऐसे कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें इसको 2 पार्ट में कर लेना है। और जो बाकी 2 केले हैं उनको भी ऐसे ही हम छील लेते हैं, और छील के इसके जो किनारे हैं किनारों को काट के, और फिर इसको हम 2 पार्ट में इसको कर लेंगे। इसे हमें 2 पार्ट में करना है, और केले को हम 2 पार्ट में करके किसी प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से हमें छीलना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है फ्रेंड्स, ये केले की सब्जी। और इस तरीके से आप अगर सब्जी बनाएंगे तो ये मछली के टेस्ट वाला ये सब्जी है, आप बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरीके से हमने केले को काट के रख लिया है, 2 पार्ट में कर लिया है छिलका उतार के, और लिया है राई के कुछ दाने, और 3-4 हमने हरी मिर्च लिया है, लहसुन की कलियों को अलग कर लिया है, 3-4 टमाटर हमने लिया है मीडियम साइज़ का, उसको कट करके रख लिया, रफली कट किया है, और 1 छोटा प्याज है उसको भी हमने रफली कट करके रख लिया है। अब लेंगे 1 मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे प्याज और राई के दाने, और जो लहसुन की कलियों को हमने अलग करके रखा है उसको डाल देंगे, और 4-5 जो हरी मिर्च हमने लिया है उस हरी मिर्च को भी इसमें हमें डाल देना है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हमने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अनुसार मिर्च की क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। और फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बार ग्राइंड किया है, फिर इसमें थोड़ा सा और पानी हमने डाला है, और फिर इसको मसाले को इस तरीके से हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं मसाले का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, और फिर इसको ढककर साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम अपने केले की तरफ। तो एक बाउल लेंगे, और उसमें हम केले को हमने 2 पार्ट में किया था उसे डाल लेंगे, और इसमें जो मसाले हमने सरसों का तैयार किया है उसमें से 2 चम्मच हमने इसमें डाला है, और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से केले के ऊपर हम इसे मतलब मिक्स कर देंगे, केले में इसको केले के ऊपर इस तरीके से इसको लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे कि सारे केले पे हम इसको पेस्ट को मसाले का जो हमने पेस्ट डाला है उसको इस तरीके से केले पे अच्छी तरीके से लगा देंगे। और फिर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में हमने तेल पहले ही डाल दिया था, तेल गर्म हो गया है, तो इस केले को हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं अब एक तरफ से पक गया है, फिर दूसरी तरफ से पलट कर हमें पका लेना है, यानी कि इसको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से हमें पलट लेना है, और इसको गोल्डन होने तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे इस केले को। आप देख सकते हैं, और इस टाइम हमने फ्लेम अपना मीडियम रखा है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम को हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हमें हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम पकाएंगे, यानी कि इसको फ्राई करेंगे। तो एक तरफ से फ्राई हो चुका है, फिर हमने इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने फ्राई कर लिया है, और इस तरीके से हम फ्राई करके अगर केले को बना रहे हैं सब्ज़ी तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने केले को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं केले अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए
अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं केले को। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से केले को हमने फ्राई कर लिया है। फिर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे एक छोटी चम्मच मेथी और एक छोटी चम्मच हमने अजवाइन डाला है और आधी छोटी चम्मच हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे और इसको एक मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और फिर उसके बाद हमने जो 3-4 टमाटर लिया था उस टमाटर को हमने काट लिया था तो उस टमाटर को हम इसमें डाल देंगे और टमाटर को डाल के इसको 1-2 मिनट तक हमें फ्राई करना है टमाटर को। आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फिर इस टमाटर में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक हमने केले में जब केले को फ्राई करने वाले थे हम तो उस टाइम भी हमने 1 चम्मच के करीब में नमक डाला था तो नमक आप ध्यान से डालिएगा यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है। नमक ज़्यादा ना हो जाए इसलिए इस टाइम नमक डालने के टाइम हमें ध्यान रखना है कि नमक पहले ही हमने डाला था जब केले को हम फ्राई कर रहे थे। तो फिर नमक डाल के और फिर 1-2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे यानी फ्राई करेंगे। फिर जो मसाले हमने तैयार किए थे राई के उसको डाल देंगे और उसको डाल के 2-3 मिनट तक हमें फ्राई करना है मसाले को। फिर जो बाकी मसाले उसमें चिपके हुए थे उनको हमने थोड़ा सा पानी डाल के भून लिया है और उसको भी इसमें डाल दिया है और डाल के इसको हमें फ्राई करना है अच्छी तरीके से। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को हम फ्राई करेंगे। मसाले को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले तेल ना छोड़ने लगे। जब दिखने लगे कढ़ाई में कि मसाले तेल छोड़ रहे हैं तो फिर हम समझेंगे कि मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो मसाले को हमने बीच बीच में चलाते हुए ऐसे ही फ्राई करना है तेल छोड़ने तक। आप देख सकते हैं मसाले को हमने 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे फ्राई किया है चलाते हुए इसे फ्राई करना है। और जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो हम समझ जाएंगे कि मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको अब हम फ्राई कर लिए हैं मसाले को अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। मसाले में हमें पानी डालना है 1.5 कप के करीब में हमने इसमें पानी डाला है। आप अपने टेस्ट यानी कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस मिक्सी में हमने मसाले पीसे थे उसी में पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से मतलब निकाल लिया है मसाले को और उसी में थोड़ा सा और पानी मिला के हमने इसमें डाल दिया है मसाले में। और थोड़ा सा और पानी हमने डाला है ऊपर से 1/2 कप के करीब में और पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर हमें इसे ढक देना है और ढक के 1 उबाल आने देना है। और 1 उबाल जब आने लगेगा तो 1 उबाल आने के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसको 1 बार और चलाएंगे यानी कि मसाले को 1 बार और हमें चलाना है इसको। और उसके बाद जो हमने केले फ्राई करके रखे हैं यानी कि इसको इसमें डाल देना है हमें केले को। और केले को डाल के फिर हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फिर हमें अपना फ्लेम लो कर देना है और लो करके फ्लेम हमें 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। 1 से 2 मिनट काफ़ी होता है इसको पकाने के लिए तो हमें 1 से 2 मिनट ही इसे पकाना है लो फ्लेम पे ढककर। अब इसको 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है। 1 से 2 मिनट हमें इसलिए पकाना है क्योंकि हमने केले को पहले ही फ्राई कर लिया था जब मसाले को हमने केले के ऊपर लगा के और केले को फ्राई किया था तो उस टाइम ही 50% केले हमारे कुक हो चुके थे इसलिए हमें इसे 1 से 2 मिनट ही पकाना है। 1 से 2 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केले का कलर केले की सब्जी का कलर कितना बढ़िया हुआ है और इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है यानी कि बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमने ढककर 1 से 2 मिनट तक इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर बता रहा है कि केले की जो सब्जी हमने बनाई है वो कितना टेस्टी तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आइए देखिए
कितना देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और उतना ही टेस्टी ये केले की सब्जी को हमने तैयार किया है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये वेजिटेरियन फिश ही कह सकते हैं, बिल्कुल फिश के टेस्ट वाला ये सब्जी तैयार हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपने इसको ट्राई किया और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस केले की सब्जी को यानी कि वेजिटेरियन फिश को आप रोटी पराठे चपाती चावल किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत ही टेस्टी होता है और एक बार तो ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। आप ट्राई करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। हम तो इसे बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, आप भी एक बार इसे ट्राई करके देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।